अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी ताकत के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके चलने, स्पेस रॉकेट को लॉन्च करने, हमारी जमीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने और कायनात की हर चीज को एक स्टेबल रफ्तार से चलने में मदद करती है। यहाँ तक कि हमारी सोच से भी ज्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स इस फोर्स की वजह से एक स्टेबल रफ्तार में गर्दिश कर रहे हैं। इसी फोर्स की वजह से आपके सारे गैजेट्स भी काम करते हैं। अगर ये फोर्स ना होगी तो कायनात में मौजूद कोई भी चीज बैलेंस में नहीं रहेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर ये फोर्स है क्या, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, आप ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फोर्स के बारे में जिसकी वजह से आप हर काम करते हैं। जमीन पर हर जानदार चल सकता है, दरिया और नदियाँ बहती हैं, बिजली बनती है। इसी फोर्स की वजह से हम अपने गैजेट्स चला पाते हैं, रॉकेट्स भी लॉन्च होते हैं और इससे सारी कायनात स्टेबल रहती है। वैसे आप इस फोर्स के बारे में 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आप इस फोर्स की असल शक्ल जानेंगे जिसको आपने अपनी किताबों में ना पढ़ा होगा। आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी रियल पावर का पता चलेगा जिसको जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार आसान अल्फाज में फोर्स का तारुफ करवा दूं कि फोर्स क्या होती है और आप इसको कैसे नाप सकते हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। कायनात में किसी जगह कम और किसी जगह ज्यादा फोर्स है। फोर्स किसी भी चीज पर किसी दूसरी चीज की होने वाली इंटरेक्शन है जिसकी मदद से किसी भी मैस रखने वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी रुकी हुई गाड़ी को हम धक्का लगाते हैं तो उसमें मोशन पैदा होती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाती है। इस ऑब्जेक्ट पर जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उसकी मोशन भी उतनी दूर तक जाएगी। सादा अल्फाज में आप इसको पुश करना या पुल करना भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज को धक्का लगाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फोर्स चार तरह की होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये चारों फोर्सेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनके नाम भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। साइंसदान इसको फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर भी कहते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगी कि इसमें सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है जिसमें मैस और एनर्जी हो। जैसे हमारी जमीन सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके गिर्द घूमती है और चांद की ग्रेविटी की वजह से हमारी जमीन अपनी जगह पर एक स्टेबल रफ्तार में रोटेट करती है और इसकी ग्रेविटी की वजह से जमीन पर समंदर में लहरें बनती हैं। न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी दो चीजों के दरमियान लगने वाली फोर्स को कहते हैं, जबकि आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी ना तो कोई फोर्स है और ना ही किसी तरह का इंटरेक्शन है। ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट का निशान स्पेस टाइम के झुकने की वजह से बनता है। इसी वजह से प्लैनेट सूरज जैसे बड़े स्टार्स के गिर्द चक्कर लगाते हैं और सूरज खुद भी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है। इसी चीज को ग्रेविटी समझते हैं। हर चीज एक दूसरे पर इस तरह का फोर्स लगाती है, जैसे जमीन पर आपकी बॉडी का वजन इसी ग्रेविटी की वजह से होता है। कायनात में आपका मैस हर जगह सेम होता है लेकिन आपका वजन बदलता रहता है। जमीन की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। इस वजह से आपका जमीन पर वजन आपके मैस से 9.8 गुना ज्यादा होता है, जबकि सूरज पर ये 28 गुना ज्यादा हो जाएगा। असल में आपका वजन आप पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लिहाजा वजन को फोर्स के यूनिट न्यूटन में नापा जाता है और मैस को किलोग्राम में। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज आती हैं। आप जानते हैं कि ये एटॉमिक लेवल पर लगने वाली फोर्सेज हैं। इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स किसी पार्टिकल के डिके के जिम्मेदार होती है, लिहाजा ये फोर्स एक सब एटॉमिक पार्टिकल को दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल में बदल देती है, जबकि एक न्यूट्रोनियो पार्टिकल जो न्यूट्रॉन के नजदीक होता है ये इसे एक प्रोटॉन में बदल देती है, खुद इलेक्ट्रॉन में बदल जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान लगने वाली फोर्स होती है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसी फोर्स की वजह से ये दोनों पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस को संभाले रखते हैं। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 60 खरबों से खरबों गुना ज्यादा होती है, लेकिन हमें ये फोर्स सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही देखने को मिलती है। इस वजह से हम इसको आम जिंदगी में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अब हम चौथी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। ये वो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान लगती है। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस होती हैं। इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स हर तरह के चार्ज पार्टिकल्स पर लगती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मूव करते हुए पार्टिकल्स पर लगती है। दोस्तों, ये था कायनात में मौजूद चार फोर्सेस का तारुफ। अब हम बात करते हैं कि कायनात
हालात में सबसे कम और सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगती है। हमने इस कंपैरिजन में चारों फंडामेंटल फोर्सेस को शामिल किया है, तो दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो आप एक एवरेज साइज के एप्पल को हाथ में उठाते हुए फील करते हैं। शायद ही आपको एक स्मार्टफोन उठाने के बराबर फील हो। दोस्तों, इससे आपको एक न्यूटन फोर्स को समझने में मदद मिलेगी। कायनात में सबसे कम फोर्स को देखने के लिए आपको सब एटॉमिक लेवल पर जाना होगा। इसमें आप दो पार्टिकल्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को नापेंगे। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्हिसार मैस पर होता है, लिहाजा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मैस बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसी वजह से उन पर लगने वाली फोर्स कायनात की सबसे कम फोर्स है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक हाइड्रोजन के एटम को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स एक न्यूटन फोर्स से भी अरबों और खरबों गुना कम है। ये तकरीबन 3.6×10⁻⁴7 न्यूटन बनती है। यानी अगर हम एक के पीछे 47 जीरो लगाएं, तो न्यूटन का एक यूनिट बनता है। इलेक्ट्रॉन में इस फोर्स से 25 लाख खरब गुना तकरीबन 8.9×10⁻³० न्यूटन होता है। इलेक्ट्रॉन फोर्सेस से हमें जमीन पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चलता है। जब हाइड्रोजन एटम पर 50,000 गुना ज्यादा फोर्स लगती है, जो कि 1.6×10⁻²⁶ न्यूटन होती है। दोस्तों, ये थी एटॉमिक लेवल पर लगने वाली फोर्स। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लगने वाली फोर्स की बात करते हैं। एक बैक्टीरिया पर ग्रेविटी की वजह से लगने वाली फोर्स 10⁻⁴ है। आप इसको इसका वेट भी कह सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादातर इसी बैक्टीरिया को स्टडी किया जाता है, जबकि इस फोर्स से 25 गुना ज्यादा फोर्स आपको पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के दरमियान लगने वाली इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की बात करें, तो ये फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड की फोर्स से भी 50,000 गुना ज्यादा है, जो तकरीबन 8.2×10⁻⁸ न्यूटन बनती है। ये फोर्स नासा के एन स्टार इंजन के थ्रस्ट के बराबर है, जो नासा के स्पेस मिशन का हिस्सा था। इस स्पेस प्रॉब का नाम किसी एस्ट्रॉइड के ऊपर से फ्लाई बाय करना था। ये काम इसने 1998 में पूरा कर लिया था। आयन इंजन स्पेस में बहुत कम फोर्स को इस्तेमाल करके बहुत दूर तक जाया जा सकता है। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्या आपको एक न्यूटन फोर्स की समझ आ गई? अगर आ गई, तो अब हम बात करते हैं 10 न्यूटन फोर्स के बारे में। आपको ये फोर्स जमीन के 1 किलो के किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के वक्त फील होगी। अगर आपको फील होने वाली फोर्स की बात करें, तो वो आपका वेट ही है, जो आपको जमीन की ग्रेविटी की वजह से महसूस हो रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इंसान का मैस 70 किलो है, लेकिन जब आप उसको हवा में उठाएंगे, तो उस वक्त आपको 700 न्यूटन फोर्स महसूस होगी। यानी 100 ग्राम के 700 स्मार्टफोन्स को उठाने के बराबर होगा। दूसरी तरफ, एक एलिगेटर के काटने की फोर्स 9000 न्यूटन है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सादा अल्फाज में, ये फोर्स 70 किलो के 13 आदमियों को उठाने के बराबर है। इससे आपको इस फोर्स की पावर का अंदाजा हो रहा होगा। जबकि एलिगेटर के भाई मगरमच्छ की काटने की फोर्स आपको और भी हैरान कर देगी, जो इससे भी ज्यादा फोर्स अपने जबड़ों से जनरेट कर सकता है। और एक स्पेसशिप में एक इंजन की फोर्स 18 लाख न्यूटन होती है, जो जमीन से उठते हुए वो जनरेट करता है। यही फोर्स रॉकेट को हवा में ले जाती है। इससे भी ज्यादा फोर्स 1969 में सैटर्न 5 रॉकेट ने अपने मून मिशन पर जाने के लिए रिलीज की थी। ये फोर्स इतनी है जितनी आप 50,000 आदमियों को एक हाथ में उठाने के लिए लगाएंगे। अगर हम सूरज के जमीन तक आने वाली रोशनी की फोर्स को कैलकुलेट करें, तो वो तकरीबन 57 करोड़ न्यूटन बनती है। और इससे भी 1,20,000 गुना ज्यादा फोर्स आपको कायनात के डेंस स्टार न्यूट्रॉन स्टार पर खड़े होने से महसूस होगी, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस ग्रेविटी हमारी जमीन के मुकाबले में 1 खरब गुना ज्यादा होती है। यानी अगर जमीन की ग्रेविटी की वजह से आपका वेट 700 न्यूटन है, तो न्यूट्रॉन स्टार पर यही वेट 700 खरब गुना ज्यादा होगा, जो 70 ट्रिलियन न्यूटन के बराबर है। वैसे इतनी ज्यादा फोर्स को कोई झेल नहीं सकता, लिहाजा ये सिर्फ एक आइडिया ही है। अगर जमीन और चांद के दरमियान लगने वाली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात करें, तो वो तकरीबन 2×10⁻²० न्यूटन है, जो बहुत ज्यादा है। ये फोर्स इतनी ज्यादा है कि इसकी मदद से आप 600 बिलियन सैटर्न 5 रॉकेट्स को एक ही बार में इकट्ठे स्पेस में भेज सकते हैं। अगर हम बात करें सूरज और जमीन के दरमियान लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो फोर्स इससे 175 गुना ज्यादा है, जो तकरीबन 3.5×10⁻²² न्यूटन है।
फोर्स का ज्यादातर इन्हिसार दो ऑब्जेक्ट्स के मैस और उनके फासले पर होता है, लिहाजा हम जमीन की फोर्स को फील कर सकते हैं लेकिन सूरज के लगने वाली फोर्स को नहीं। पर हमारी जमीन इस फोर्स को बड़ी आसानी से महसूस करती है, जिस वजह से जमीन अरबों सालों से सूरज के गिर्द घूम रही है। अगर हम बात करें सूरज और मिल्की वे के सेंटर में लगने वाली फोर्स की, तो वो बहुत कम है क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर से सूरज का फासला 26,000 लाइट ईयर्स का है। इस वजह से हमें गैलेक्सी के सेंटर की फोर्स महसूस नहीं होती। वैसे कायनात में ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें सूरज और जमीन से ज्यादा ग्रेविटेशनल लगती होगी, लेकिन उनकी अभी हमारे पास कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। अगर हम फिजिक्स के लॉज के मुताबिक देखें तो कायनात में सबसे ज्यादा फोर्स एक ब्लैक होल में ही होगी। इनकी ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल पूरी कायनात के स्टार्स को क्विजर्स की शक्ल में कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम कायनात की मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो वो प्लैंक फोर्स हो सकती है, जो उस वक्त पॉसिबल होगी जब हम फिजिक्स की आखिरी लिमिट्स तक जाएंगे। मैथ की कैलकुलेशन के मुताबिक प्लैंक फोर्स और मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स तकरीबन 1.2×10⁴ न्यूटन है। वैसे ज्यादातर साइंसदान एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की फोर्स को प्लैंक फोर्स ही मानते हैं, जो सच में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देती है। इतनी ज्यादा फोर्स कायनात में हर चीज को अपने अंदर खींचने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, हमने जिन चार फोर्सेस के बारे में जाना, इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स सिर्फ ग्रेविटी की ही फोर्स है और इस फोर्स की कोई हद नहीं है। हर चीज एक दूसरे को खींचती है। जैसे जमीन आपको खींचती है, तो आप भी जमीन को अपनी तरफ खींचते हैं। इसमें सिर्फ मैस का फर्क है। जिसका मैस जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम को बेंड करके अपने से कम मैस वाले ऑब्जेक्ट्स को खींच लेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की अमेजिंग वीडियो, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो करना बनता ही है और साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।